so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग खेलने वाले हैं दो गेम, हीरो स्ट्राइक और बैटल स्टार। मैं आप सभी को बता दूं जिसको पता नहीं है कि ये दोनों गेम कैसा है, तो दोनों गेम कुछ कुछ सिमिलर ही है, बैटल स्टार और हीरो स्ट्राइक कुछ कुछ सेम ही है लेकिन कुछ कुछ अलग है। आई ब्रिंग द पीस बट आई एम रेडी फॉर वॉर। तो हम इसमें कंपेयर कर देखते हैं कि किसका ग्राफिक्स, किसका मतलब गेम सही है, इसलिए कि दोनों गेम कुछ ना कुछ सही लेवल तक ही है। तो गेम को हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग एंड तक बने रहिएगा, इसलिए कि आज का गेम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरा आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि आज भाई गेम में बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमने मैच को स्टार्ट कर दिया है, मेरे पास 3 करेक्टर अनलॉक है, तीनों से खेल के देखते हैं कौन मजा आता है और बात करते हैं मैच के एंड में। Let's finish what we started. अभी आप लोग बताओ कि गेम कैसा है, मजा आया कि नहीं, और ग्राफिक्स कैसा है और इसका वगैरह कैसा है। बैटल स्टार और इसमें दोनों गेम्स का टारगेट यही रहता है कि जो टीम सबसे ज़्यादा पॉइंट्स करेगा वो जीतेगा, सिंपल सा बात है। इसमें भी हर एक करेक्टर का एक एक एबिलिटी होता है, पर्सनल इसमें भी है। Get ready. आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें मतलब कि यहाँ का जो क्या बोलते हैं इसे, जो मैप है, मैप ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना बड़ा टेक मतलब वो बैटल स्टार का है, सेम वैसा ही मैप है, लेकिन बहुत सारा चेंज है इसमें, ग्राफिक्स कुछ चेंज है। मतलब कि सब बोले तो मतलब चारों ओर से भरा हुआ है, वो थोड़ा खाली खाली लगता है लेकिन पूरा भरा हुआ है। ग्राफिक्स तगड़ा है देखने से, मुझे अभी तो फिलहाल ग्राफिक्स मुझे बहुत ही तगड़ा लग रहा है इसका। एक टाइम पे मैंने ये गेम बहुत ज़्यादा खेल रहा था, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे खेल के ये गेम। टू सोचा कि क्यों नहीं एक कंपैरिजन वीडियो बनाते हैं कि दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है। बैटल स्टार पे तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन दोनों में से कौन सा अच्छा है देखते हैं। शिट यार, मुझे मार दिया, लेकिन गेम भी बहुत मजा आने वाला यार। Match over. सो गाइस, मेरा जो ओपिनियन है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, आप लोग अपना ओपिनियन दे दीजिएगा कमेंट में कि गेम आपको कौन सा तगड़ा कौन सा है, ठीक है। पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि गेम्स कौन सा अच्छा है। और एक मैच लगा दिया हमने,
और एक नया करेक्टर के साथ में, तो इसका एबिलिटी कुछ अलग ही है। देखते हैं इस मैच को जीतते हैं या फिर हम लोग। और इसमें एक बात है कि इसमें आप लोग 3 प्लेयर खेलते हैं 3 प्लेयर के साथ में, और बेटर स्टार जो है 4 प्लेयर के साथ में खेलते हैं। ये ऑफलाइन है, इसका ऑनलाइन वर्जन भी आता है और वो है ऑनलाइन। This war makes me stronger. Double kill. Superstar will fall in 15 seconds. This war makes me stronger. Match over. हालांकि इसमें इतने थे, लेकिन बैटल स्टार में शायद अपडेट हुआ है उसमें, और एक मुंबई का मैप आया है और उसमें कैरेक्टर टेक्नो गेमर का कैरेक्टर भी है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें आप लोगों को सुपर स्टार्स का कैरेक्टर देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल मैं गेम का बात करूँ तो गेम तो बहुत तगड़ा था, मज़ा आया खेल के, कैरेक्टर्स भी बढ़िया है, वेपन्स भी सब तगड़ा है, मैप भी तगड़ा है, लेकिन मैप एक ही है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बैटल स्टार और देखते हैं इस गेम को, उसके बाद कंपेयर करते हैं कौन सा अच्छा है। बैटल स्टार तो स्टार्ट हो चुका है, इसमें भी मेरा 3 कैरेक्टर अनलॉक है और ये सब कैरेक्टर जो है आपको पुलिस मैन से भी या फिर जो भी है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये सब लॉक है, मैंने अनलॉक नहीं किया है। ये रहा टेक्नो गेमर का कैरेक्टर और एक नया आया है वीर नाम से। तो मैच स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी मैचिंग हो रहा है स्टार्ट। बहुत ही मज़ा आने वाला है, सिमिलर कैरेक्टर बहुत लोग ज़्यादा आया है इसमें, मतलब बराबर का तगड़ा का फाइट होने वाला है। स्टार्ट। ये है मतलब कि क्या बोलते, प्रोटेक्शन, शरीर को हम लोग का वेपन से प्रोटेक्ट करेगा, तो पता ही है तो ठीक है। गेम्स भी काफ़ी तगड़ा लग रहा है यार, मैंने तो खेला हूँ, लेकिन मैच खेला हूँ पहले, गेम्स बहुत तगड़ा लग रहा है और साउंड इफेक्ट जो है वो अच्छा है। मुझे मार दिया, कोई बात नहीं, फिर रिस्पॉन होते हैं, लेकिन जो मैप है वो थोड़ा खाली खाली लग रहा है और सब बढ़िया है, मतलब इस गेम को पूरा देसी बनाने की कोशिश किया गया है इसमें। चलिए किसी और को टारगेट करते हैं और ठोकते हैं फिर से, या दो दो लोग मुझे ही ना मार दे।
पास स्किल। इसमें क्या है कि आपको देखिए मैच तो शायद हाँ हम लोग मैच जीत गए, विक्टर हैं। मैंने एक किल किया यार, सॉरी 10 किल किया क्या है मैंने। इसमें ये है कि आप लोगों को मतलब कि अलग अलग कैरेक्टर्स जो देसी कैरेक्टर्स है ना वो देखने को मिलता है, और लेकिन और हीरोज़ में हीरोज स्ट्राइक में आपको सब सुपरमैन्स का कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। एक पुलिस का कैरेक्टर है, और आप बैटल स्टार में इवेंट आता है वो सब भी देख सकते हैं। इवेंट या फिर आप लोगों का रैंक कितना है, ग्लोबली रैंक कितना है वो देख सकते हैं। जो हाईएस्ट पे बाबा इतना सारा पॉइंट करके लोग बैठा है, मैं तो एक साल भी खेल लूँ शायद होगा कि नहीं मुझसे। मैच स्टार्ट हो रहा है, और एक और यहाँ का जो मैच स्टार्ट होने का प्रोसेस है वो अच्छा ही लगता है, लेकिन हीरोज़ का और भी इससे थोड़ा इफेक्ट्स टू अच्छा लगता है देख के स्टार्टिंग का। चलिए देखते हैं कि होता है क्या, इस बार जीतते हैं कि नहीं हम लोग। इसका रेंज देख के थोड़ा मतलब पावर तो थोड़ा कम लग रहा है, रॉकेट्स वगैरह मिला है। मैं लेता हूँ रोज, लेकिन यूज़ नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये होता क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खत्म हो गया टेक्नो, कोई नाम का बंदा आया है इसमें, तगड़ा है वो। उसमें बैरियर या फिर दीवार देने का कोशिश किया गया है हीरोज में, लेकिन इसमें ये है कि आपको इसमें आपको क्या बोलते हैं वो तालाब या फिर पत्थर सिक्स वगैरह देखने को मिलता है खुद के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब बचने के लिए छुपने के लिए। फिर से मार दिया यार मुझे, मतलब पकड़ने जाए तो इस कैरेक्टर में थोड़ा पावर कम है, इसलिए लो लेवल का कैरेक्टर है ये, इसीलिए इसमें पावर थोड़ा कम है। और सामने जो आ रहा है वो लोग थोड़ा तगड़ा तगड़ा बंदा आ रहा है, नहीं तो फर्स्ट मैच तो हम लोग जीते ही थे वो कैरेक्टर से खेलने के बाद, मशीन गन जो लिया था। ओवरऑल गेम देखूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये गेम, इसलिए कि टेक्नो गेमर्स का गेम है, इसलिए नहीं कि ये गेम अच्छा लगा मुझे कि टेक्नो गेमर्स का गेम है, इसलिए नहीं, वाकई गेम में बात है। और सुपर गेमिंग इसे मतलब और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिन पर दिन इसे डेवलप कर रहे हैं, नया नया मैप भी लॉन्च कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग हार चुके हैं, सो आप लोग देख चुके हो कि गेम इसका कैसा है और हीरोज़ का कैसा है। आप लोगों में से दोनों में से अच्छा कौन सा लगा, दोनों में से कौन सा मतलब अच्छा लगा, कौन सा गेम अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। और एक करेक्टर जो हम लोग का फर्स्ट करेक्टर होता है जो गेम को ओपन कर फर्स्ट टाइम ओपन करने के साथ ही मिलता है, इसके साथ एक मैच खेलते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या होता है। आशा कम है मुझे कि इस मैच मतलब इस कैरेक्टर के साथ में जीतेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हीरोज़ में कुछ कॉइन्स स्पॉन्स होते थे जिससे कि आप कलेक्ट करके कुछ कुछ नया नया एबिलिटीज़ ले सकते थे, जो एबिलिटीज़ उसमें मिलता है उसी में से कुछ कुछ ले सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप जितना किल करोगे उतना ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन दोनों का मतलब यही है कि पॉइंट्स कलेक्ट करना है, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स करेगा वो जीतेगा। फर्स्ट किल कर दिया यार मैंने, हम मुझे मार भी दिया। इसके पीछे का है यार हेयर, इसका देखो तो चोटी, इसका सही से आधा तो इसका चोटी हो जा रहा है,
इंटरेस्टिंग गेम है दोस्तों का, गेम मजा था यार। लन टॉप और इम्प्रूव कर सकते हैं इसे हम लोग, थोड़ा मतलब हरा भरा बना सकते हैं। सो आप लोग अभी डिसीजन करके बताओ, मैंने और एक बार पूछ लिया आप लोगों से कि आप लोग भूल ना जाओ, डिसीजन करके बताओ कि दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। सबको ओपिनियंस अलग अलग हो सकता है, किसी को बैटल स्टार अच्छा लग सकता है, किसी को हीरोज स्ट्राइक अच्छा लग सकता है, लेकिन हाँ देखने जाने से दोनों का कुछ कुछ सेम है, कुछ कुछ अलग है मेरे हिसाब से। लेकिन गेम तगड़ा है, बाकी आपका जो सोच है आपको जैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करो। और यार बताओ कि वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, और अगर कोई में अगर आप लोग कुछ गेम में किसी और गेम्स में अगर चाहते हो कि किसी किसी गेम में कंपेयर करो वो भी बोल सकते हो। यार सिंगम को मैं धो रहा हूँ, वो मुझे फाइंड ही नहीं कर पा रहा मैं हूँ कहाँ पे। मैं बताऊं आप लोगों को कि दोनों में से मुझे कौन सा गेम अच्छा लगा, तो मुझे दोनों का दोनों गेम अच्छा लगा यार, इसलिए कि ये अपनी जगह पे सही है, वो अपने जगह पे सही है। और फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई मज़ेदार गेम के साथ, तब तक के लिए बाय।